हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के लिए इंस्टेंट दीपावली स्पेशल स्वीट रेसिपी लेके आई हूँ। स्वीट मिठाई की रेसिपी और बहुत ही चीप सस्ती है, मार्केट के महंगी मिठाई के मुकाबले बहुत ज़बरदस्त है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद आपको अच्छा लग जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फेसबुक पे अगर आप मेरे रेसिपी को देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब में भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को आप बीच में अधूरा देख के मत छोड़िएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, नेचुरल तरीके से ये रेसिपी बनाई है, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए इसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हो, उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, तो आज मैं फिर इंस्टेंट स्वीट डिश की रेसिपी लेके आई हूँ जो क्विक बन जाती है, ज़्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा सामानों की आवश्यकता नहीं और एकदम नेचुरल तरीके से बनाएंगे, कोई भी इसमें मिलावट का हम सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, मिठाई के लिए जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो घर में ही बेसिकली होते हैं और सब इसे एफर्ट कर सकते हैं, इतनी ईजी रेसिपी है और मार्केट की महंगी मिठाइयों को मात देने वाली है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है एकदम नेचुरल है और डिफरेंट है। घर में बनाए हुए अपने हाथों से जो हम मिठाई बना रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप घर में भी इस ट्रिक से इस मिठाई को बना सकते हैं, इस दीपावली में पूरे फैमिली, गेस्ट और माँ लक्ष्मी गणेश जी को भोग लगा के इंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए ना तो कोई फूड कलर चाहिए, ना कोई एसेंस चाहिए, ना इलायची पाउडर चाहिए, ना केसर के धागे, मात्र पिंच भर गेठे वाले हल्दी को हमने पिसाया है। गेठा वाला जो हल्दी आता है, जो खोइच में स्त्रियां लेती हैं, जो भगवान को चढ़ाया जाता है, बस उसी गेठे वाले हल्दी को पाउडर करके हम इस पिंच भर, चुटकी भर हल्दी के इस्तेमाल से बेहतरीन मार्केट से भी बेहतरीन मिठाई बनाएंगे। दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए हुए हम इस दीपावली की स्वीट और सुपर इजी रेसिपी को बनाते हैं, मिठाई की रेसिपी को बनाते हैं। पर उससे पहले मेरे पूरे परिवार के तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। इस दीपावली पे आपकी सारे विशेष पूरी हो जाएं। मेरी माँ लक्ष्मी से और गणेश जी से यही प्रार्थना है कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनकी सारे विशेष पूरी हो जाए। तो चलिए बनाते हैं हम ये आसान सी रेसिपी। पैन मैंने ले लिया है, सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। दोस्तों, 2 से 3 चम्मच करीब इसमें हमने घी डाल दिया है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लोकल ब्रांड का भी ले सकते हैं या ब्रांडेड मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, दोनों से अच्छी मिठाई बनेगी। दोस्तों, इसमें मिठास का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसमें मिठाई मेड का भी इस्तेमाल करूँगी और मिल्क पाउडर भी स्वीट होता है, तो मिठास को अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप बैलेंस कीजिएगा। और यहाँ पे पहले से बॉईल किया हुआ मिल्क है, चिल्ड मिल्क दे रही हूँ, तो इसमें हम मिल्क डाल रहे हैं लगभग आधा कटोरी, एक कटोरी मैंने मिल्क का पाउडर लिया था, तो आधा कटोरी हम इसमें मिल्क डाल रहे हैं, ठंडा वाला मिल्क डाल रहे हैं। अभी गैस मैंने नहीं जलाया है, इन सारी चीज़ों को पहले हम बिना गैस जलाइए मिला लेंगे। अब हम इसमें, मैंने बोला मिठाई मेड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें लगभग मैं 2 से 3 चम्मच मिठाई मेड का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं देना है, सिर्फ 2 से 3 चम्मच देना है। अब पहले बिना गैस जलाए हुए इन सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं, मिलाने के बाद हम गैस अपना जलाएंगे। अच्छे से इन सारे चीज़ों को हमने मिला लिया है। दोस्तों, अब हम इसमें पिंच भर, आप चाहो तो दे भी सकते हो हल्दी या नहीं भी दे सकते हो, लेकिन मुझे येलो कलर चाहिए, उसके लिए मैं हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ, नेचुरल तरीका है एकदम। तो देख सकते हैं आप, एकदम मात्र पिंच भर लिया है, इसी से कलर बहुत अच्छा आएगा। दोस्तों, ज़्यादा कलर नहीं ले, ज़्यादा हल्दी नहीं लेना है, नहीं तो ये हो जाएगा, फिर कड़वा बन आ जाएगा। तो अब हम गैस जला लेते हैं। दोस्तों, गैस को जला लिया है। दोस्तों, अब इसको लो टू मीडियम पे हम अच्छी तरह से पकाएंगे, जब तक ये हमारा ठीक एक डो के फॉर्म में नहीं रेडी हो जाता है, और इसको कंटिन्यूसली लाते रहेंगे ताकि हमारा नीचे अंदर जले नहीं, जल जाएगा तो टेस्ट खराब हो जाएगा और उसके बाद फिर मेहनत भी बेकार हो जाएगी। दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको ये अच्छा लग जाएगा, ये ट्रिक अच्छी लग जाएगी, बातें अच्छी लग जाएगी, तो फेसबुक पे मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलेगा। साथ ही साथ यूट्यूब पे अगर मुझे देख रहे हैं आप, तो यूट्यूब पे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
कीजिएगा, वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। तो इसको लगातार हमें चलाते रहना है और इस बात का डर ना करें कि इसमें हल्दी डाले हैं तो कसैलापन आ जाएगा, बिल्कुल कसैलापन नहीं आएगा और एकदम नेचुरल तरीके से हम इसे बना रहे हैं क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिठास में हम मिश्री का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मिश्री जो है, मिश्री के हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, ये आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत ही उत्तम माना गया है शरीर के लिए और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी लाभदायक है, उसे भी जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी इस मिठाई का सेवन कर सकते हैं। तो इस दीपावली में डायबिटिक पेशेंट मन ना मारे, इस ट्रिक से इस मिठाई को ज़रूर बनाएं और ज़रूर लुत्फ़ उठाएं दीपावली का। तो मिश्री धागे वाली मिश्री है उसको मैंने पाउडर कर लिया, सिलबट्टे पे मैंने इसको कूट के इसका धागा निकाल लिया, फिर इसको मिक्सी में ऐसे पाउडर कर दिया है दोस्तों। तो मिठास में आप इसी का इस्तेमाल करें, चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और हल्दी का बिना किसी फूड कलर के हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस मिठाई में हल्दी का। तो बिल्कुल ना डरिए, कसैलापन बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि हमने पिंच भर आपको दिखाया हल्दी का इस्तेमाल किया है। हल्दी चाहे आप चेहरे पे लगाएं तो चेहरे की चमक बढ़ जाती है, किसी कटे जगह पे लगाएं तो घाव भर देता है और अगर आप खाने में इस्तेमाल कर लें हल्दी का तो कई सारे रोगों से हमें मुक्त कर देता है। तो बस हेल्दी मिठाई बना रही हूँ, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा, एक बार आप इस ट्रिक से प्लीज़ मेरे रिक्वेस्ट पे इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा, आनंद आ जाएगा और दीपावली में चार चांद लग जाएगा दोस्तों। तो बस इसको हम देखिए अच्छी तरह से मिल गया, लम्स वगैरह नहीं है, डो के रूप में आने देते हैं। तो दोस्तों बिना किसी फूड कलर के एसेंस के ये देखिए कलर ही इतना जबरदस्त लग रहा है ना देखने में एकदम सुपर्ब, ये देखिए कलर ही इतना लाजवाब है, तो सोचिए मिठाई कितना लाजवाब होगा दोस्तों बिना मिलावट के। तो ये हमारा पूरा डो बनके रेडी हो गया है, इसी स्टेज पे हम अपना गैस बंद कर देंगे दोस्तों। इसको एक थाली में निकाल लिया है, थोड़ा ठंडा होने दिया है, ज़्यादा ठंडा होने नहीं दिया है नहीं तो जो शेप बनाएंगे वो नहीं बनेगा। हाथों में हमने घी लगा लिया है, इसको आप चाहो तो गोल भी कर सकते हो, लड्डू का आकार भी दे सकते हो, ऐसे करके गोल भी दे सकते हो या ऐसे करके लंबा आकार भी दे सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं इसे पेड़ा आकार दूंगी, ऐसे करके थोड़ा सा बनाना है। मैं छोटे छोटे लोई ले रही हूँ, बड़ा छोटा मीडियम आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब एक थम लगा, ये देखिए बढ़िया लग रहा है ना एकदम सुपर, जब भी बन के रेडी होगी तो आपके मुँह में पानी आ जाएगा दोस्तों, खाए बिना आप नहीं रह पाओगे, इतनी ज़बरदस्त मिठाई है। तो सबको मैं ऐसे ही रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत पेड़ा बनके और रंग निकल के आया है, देख सकते हैं देखने में कितना क्यूट मासूम सा छोटा छोटा लग रहा है। चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। जिस पैन में हमने डो रेडी किया था वही पैन धो के लिया है, अब हम इसमें एक कटोरी भर के दूध ले लिया है, पहले ही बॉयल था ये दूध, और दूध कोई फुल फैट क्रीम जो भी आपको अवेलेबल हो वो ले सकते हैं, अगर घर में जो दूध आप रेगुलर लाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय के लिए ज़रूरी नहीं कि फुल फैट क्रीम में ही ये रेसिपी अच्छी बनेगी, जो नॉर्मल रेगुलर दूध जो आप लेते हैं उस दूध में भी आप ये बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये देखिए किशमिश है, लगभग 2 चम्मच मैंने किशमिश लिया है, पहले ही गैस बंद है, अभी गैस नहीं जलाया क्योंकि मेरा दूध बॉयल था। काजू है 10-15, काजू को बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 10-15 एलोमोंड्स है उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैंने इसमें पिस्ता का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि बर्फ के लिए बना रही हूँ दोस्तों और वो थोड़ा सॉल्टी रहता है इसीलिए मैंने उसको इसमें नहीं डाला। अगर आप नॉर्मल दिल के लिए बना रहे हैं तब आप पिस्ते का भी ऐड कर सकते हैं। आप साथ ही साथ आप ऐसे भी रख सकते हो इसको, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे येलो कलर चाहिए तो पिंच भर में फिर अगेन हल्दी डाल रही हूँ जिससे ये कलर बहुत सुपर्ब आए। और इनको मिला लेने के बाद इसमें हाफ कटोरी हम फिर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, देख सकते हो दोस्तों भर के नहीं लेना है, हाफ कटोरी मैंने इसमें लिया है, गैस बंद है अभी भी और इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं पहले। तो दोस्तों अब मैंने गैस जला लिया है, मैं सारी सामग्री जितना मैं बना रही हूँ उस हिसाब से सारे ऐड कर रही हूँ, आप जितना बनाओगे उस हिसाब से दूध मिल्क पाउडर ड्राई फ्रूट जो भी इंग्रेडिएंट है अपने सामान के अकॉर्डिंग आप मिलाओगे। अब हम इसमें मीठे में आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, इसमें
क्योंकि ये ऑलरेडी दूध भी मीठा होता है हमारा, और जो हमने पेड़े बनाए हैं उसमें भी मिठाई मेट और मिल्क पाउडर मीठा रहता है, तो मीठा आप स्केप कर सकते हो, नहीं दोगे तो चलेगा। लेकिन मैं थोड़ा, बच्चे खाएंगे तो थोड़ा सा, मैं 3 से 4 चम्मच करीब, ये मिश्री का पाउडर है तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ, मिश्री पाउडर ही मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अगर मीठा डालें, बच्चों के लिए भी हेल्दी होता है, सबके लिए बहुत हेल्दी होता है, शुगर पेशेंट के लिए भी, तो आप भी मीठे में मिश्री के पाउडर का इस्तेमाल करें। और इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, थोड़ा सा ठीक होगा ये, बस लम्स वगैरह नहीं आने चाहिए, थोड़ा सा ठीक होगा, उतने देर तक इसको पका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें लम्स वगैरह, गांठे वगैरह नहीं रहना चाहिए, गुठली वगैरह पूरा अच्छी तरह से मिल गया है, इसमें गांठे वगैरह लम्स नहीं है। और कलर देखिए एकदम येलो कलर निखर के आया है, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसमें हल्दी मिला के ये मिठाई की रेसिपी बनाई है दोस्तों, क्योंकि कलर ज़बरदस्त लग रहा है ना, इसमें केसर है ना, इसमें फूड कलर है ना, कोई एसेंस वगैरह सब है ना, इलायची पाउडर, फिर भी इसकी खुशबू, इसकी मिठास आपके फेस्टिवल को 4 चांद लगा देगा। और खाने में तो ये ज़बरदस्त है ही, जो भी खाएगा तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा दोस्तों। तो अच्छी तरह से सब कुछ मिल गया है, थोड़ा सा इसको हम, और ये थोड़ा सा अभी पतला है दोस्तों, मैंने एक बार बीच में आपको दिखा दिया, थोड़ा सा और इसको हम ठीक होने देते हैं। तो दोस्तों टोटल पकाते पकाते 2 मिनट हो गया है, देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, ठीक हो गया है, और बॉयलनेस भी अच्छा खासा आ गया है, और कंटिन्यूसली मैं इसको चला रही हूँ। बस 2 मिनट के बाद, जब 2 मिनट हो जाए पकते हुए, तो इस स्टेज पे हमने जो गैस कम कर दीजिएगा, इस स्टेज पे हमने जो पेड़ा बनाया था सारे एक एक करके दे देंगे, और 2 मिनट तक पेड़ा के साथ इस रस को, जूसी रस को हम पकाएंगे दोस्तों। तो सारे पेड़े मैं इसमें डाल दे रही हूँ दोस्तों। तो देखिए है ना एकदम ज़बरदस्त, मुंह में पानी ला देने वाला रेसिपी, देखने में ही मुंह से लार टपक रहा है दोस्तों, ये देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। बस इसके साथ 2 मिनट और हम इस जूसी रसीली रस को पका लेते हैं, उसके बाद हमारी मिठाई, क्योंकि मिल्क पाउडर दिया है तो ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाएगा, 2 मिनट के लिए ही इसे पकाना है। तो ये लीजिए दोस्तों, बस ऐसे ही रखना है, इसी टेक्सचर पे हम अपना गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद, तो गैस हम बंद कर देते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, इंस्टेंट दीपावली स्वीट रेसिपी बनके रेडी हो गई है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी कॉस्ट प्राइस के, और मार्केट की महंगी मिठाइयों को मात देने वाली है। देखने में तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़बरदस्त है, इसको बिगनर भी, जो पहली बार बना रहे हैं वो भी बना सकते हैं, इतना सुविधाजनक ये मिठाई है दोस्तों। एक बार खाओगे तो आप स्वाद जानोगे दोस्तों। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, इंस्टेंट वाली स्वीट रेसिपी, तो फेसबुक पे मुझे फॉलो करना ना भूलिए, यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लग जाए ट्राई करने के बाद रेसिपी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो धूमधाम से आप दीपावली मनाइए, जब तक मैं ऐसी ही स्वीट प्यारी रेसिपी के साथ मिलती हूँ, हैप्पी दीपावली।